कलाम था जी, हर लहजा है मोमिन की, नई आन नई शान, किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान। ये कलाम जो था, जो कि मैडम नूरजहां ने गाया था और इकबाल का लिखा हुआ कलाम, ये पेश किया हमारे सामने रबाब आर्टिस्ट अब्बास हैरत ने। और अब्बास हैरत साहब जो है उनके साथ उनके वालिद साहब भी तशरीफ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हो? सही हो? जबरदस्त। हमारे साथ हैं मोहम्मद अब्बास हैदर साहब और वालिद साहब हमारे साथ हैं। ये बताएं कि ये कैसे इन्होंने सीखा जी? ये बस 5 साल का था, 6 साल का, बस इसके बाबा बजा रहे थे, इसने देखा उसको और इसको कहा कि ये सीखोगे? इसने कहा हाँ, हाँ। नहीं, बस उसने हाँ। रबाब पकड़वा दिया, इसने बस बजाई है थोड़ी, हाँ। सरगम बजाया। अच्छा, बस देखा, इसका शौक था, बस इसने जबरदस्त बेहतरीन। आप लोग पाकिस्तान से नहीं, अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं, हाँ। तो वहाँ से आप लोग यहाँ पाकिस्तान आए म्यूजिक के लिए, हाँ। तो वहाँ पे भी ये बजाता होता था? पहले बजाता था, अभी जब हुकूमत चेंज हुआ है बस उधर फन बन चुकी है ना। तो वहाँ इसको ये रबाब सिखाया किसने? इसके दादा थे। अच्छा, तो खानदान में चला आ रहा है आपके रबाब, क्या बात है, जबरदस्त। और एज कितनी है? 10 साल। 10 साल है? 10 साल की उम्र में। तो कितने साल की उम्र से शुरू किया था? 5-6 साल की उम्र। 5-6 साल की उम्र, भाई जबरदस्त। तो इनको उर्दू समझ में आती है? थोड़ी सी। हाँ भाई, उर्दू समझ में आती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का फजल है। ये किसने सिखाया? मेरे बाबा ने सिखाया। बाबा ने सिखाया, सही। और क्या क्या बजा सकते हो? उसका बोलने का तरीका जो है वो म्यूजिक है बेसिकली। अभी बच्चा है, his expression is music. तू मेरी जिंदगी है, ये बड़ा मशहूर गाना नूरजहां मैडम का गाना था, तू मेरी जिंदगी है। वाह 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 वाह, मैडम मैडम से मैडम के गाने बजाता है ये। वाह, thank you।
जबरदस्त। तो अब्बास भाई ये बताओ, पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो, स्कूल जाते हो? उधर जाते थे, अभी हम दोनों आ चुके हैं, हमारी फैमिली उधर ही है ना। अच्छा, वो आ रही है। जब वो आ जाए फिर स्कूल में, फिर स्कूल में भी डालेंगे। अच्छा, तो आपके आने का पाकिस्तान प्रोसेस वगैरह आसान था? नहीं, बहुत मुश्किल, बस वीजा भी नहीं मिल रहा है अभी। हमारा वीजा भी एक्सपायर हो चुका है बस। हमारी वीजा एक्सपायर हो गया, आपने टीवी में बोल दिया, तो अब आपको जो है वो यहाँ से वो लोग कहेंगे कि भाई आप तो फौरन वापस जाएं, फिर क्या होगा? एप्लीकेशन की है, एप्लीकेशन दी हुई है, फिर ठीक है। लेकिन वैसे पाकिस्तान में आराम से हैं, कोई तकलीफ, कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बस जाहिर है वो अपना घर तो वहाँ रह गया, लेकिन अदरवाइज वगैरह, क्योंकि आप हमारे अफगानिस्तान वाले हमारे भाई हैं, हमारे मेहमान हैं, हमारे दिल के जज्बात आप लोगों के साथ हैं। आप लोगों के साथ जो उधर मुश्किलात हैं, अल्लाह ताला वो आसान करे आप लोगों के लिए। तो ये हर पाकिस्तानी की दुआ है आपके लिए। तो ये अपने इलाके में जब बजाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, फिर पब्लिक सुनती है? बहुत ज्यादा है, सुनती है। अच्छा अच्छा, पब्लिक पसंद करती है? बहुत ज्यादा। सही, तो अब हमें क्या मजीद क्या सुनाएंगे भाई? ये क्या सुनाएंगे, क्या सुनाएंगे मजीद? वो जो मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर भाई, वाह। हाँ भाई, बड़े होके क्या करोगे? पढ़ाई करता हूँ और अब आप सीखते हो क्रिकेट। अच्छा, और क्रिकेट भी? अच्छा, तो जब बड़े हो जाओगे तो उस वक्त क्या करोगे? म्यूजिक और क्रिकेट। म्यूजिक या क्रिकेट? अच्छा, क्रिकेटर बनना है या म्यूजिक वाला बनना है? दोनों दोनों, क्रिकेट भी और म्यूजिक भी। चलो, ये देखते भी हो? देखते भी हो? कौन पसंद है, फेवरेट क्रिकेटर कौन है, कौन पसंद है खिलाड़ी? अफगानिस्तान के राशिद। राशिद, राशिद तो बड़ा जबरदस्त खिलाड़ी है। नबी, मोहम्मद नबी भी बड़ा अच्छा कमाल प्लेयर है। अफगानिस्तान की टीम से शादाब खान। शादाब खान, हाँ। बाबर आजम। अच्छा, और शाहीन अफरीदी। हाँ, शाहीन अफरीदी, हाँ सही है। वसीम अकरम। वसीम अकरम भी पसंद है? वाह भाई वाह, आपके टाइम से पहले का है, लेकिन ये है कि जाहिर है वसीम अकरम बड़ा प्लेयर है। अच्छा, और म्यूजिक बजाने वालों में कौन पसंद है? टीचर हो, कोई सिखाए मजीद और इंस्ट्रूमेंट्स, रुबाब से आगे भी मामला जाए ना, और भी चीजें सीखे। तो अभी तक इन्होंने कहाँ कहाँ जो है वो बजाया है, परफॉर्मिंग्स की है? सोशल मीडिया में, बीबीसी वगैरह में, सब में किया है। सही, अमेरिका में बीबीसी में। ठीक है, ठीक है। और महफिलों में भी कभी कभार। अच्छा, बस सही, जबरदस्त। हमारे पास फिर महफिलें हम करवाएं कोई, तो इनको फिर जरूर बुलाएंगे और जबरदस्त इनसे परफॉर्मेंस करवाएंगे। शो में भी जो है वो इनको हम फिर जहमत देते रहे भाई। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया भाई अब्बास साहब, हैरत साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप दोनों आए हमारे प्रोग्राम में और बड़ा अच्छा आप लोगों ने बजाया जी, जबरदस्त। थैंक यू, थैंक यू, क्या बात है। नाजरीन, ये देखें कितना जबरदस्त टैलेंट, टैलेंट को नर्चर करने की बात है, टैलेंट को आइडेंटिफाई करने की बात है। वो टैलेंट देखें और फिर उसके बाद काम करना शुरू कर दें उस टैलेंट के ऊपर, जब भी वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट या क्रिकेटर या जो भी सब हैं वो वर्ल्ड क्लास एंकर्स वो प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे ही तो नहीं होता, टैलेंट के बगैर नहीं होता।